जिग्नेश मेवाड़ी की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पांचों ब्लॉक अध्यक्षों की मौजूदगी में भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया कि किस प्रकार गुजरात की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी के विरुद्ध एक ट्विटर को आधार बनाकर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके 3 दिन के लिए जेल में निरुद्ध किया गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी द्वारा दलित नेता एवं दलित समाज के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्य है। जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में अराजकता द्वेषपूर्ण राजनीति हो रही है। कांग्रेस सदैव सभी लोगों के लिए खड़ी है और जब तक गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को परेशान करती रहेगी तब तक चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन और आंदोलन का दौर जारी रहेगा। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी के विरोध में जो ट्विटर में जो उन्होंने कुछ कमेंट्स किया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके ऊपर जो केस दायर किया है वो निश्चित ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसका घोर विरोध करती है, क्योंकि भाजपा का जो चाल चरित्र है वो उजागर हो गया है। वो दलित लोगों के साथ साथ हर आदमी को दबाने का कार्य कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उनको गिरफ्तार किया गया है और उसके विरोध में कांग्रेस जन पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। जब तक उनको गिरफ्तारी उनकी निशर्त उनको निरीहा नहीं किया जाता, कांग्रेस इस प्रकार अपना ज्ञापन आंदोलन देते रहेगी और कांग्रेस जन भाजपा को जब तक सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक उनके विरोध में निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ट्विटर के आधार में जो जुर्म पंजीयत किया सरासर अन्याय है, इसके विरुद्ध कांग्रेस अपनी आवाज़ बुलंद करती है और इस जुर्म को वापस लेने की मांग करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जय पटेल जी के नेतृत्व में हम सभी ब्लॉक अध्यक्ष लोग एक ज्ञापन सौंपने आए राष्ट्रपति के नाम। ये ज्ञापन इस प्रकार है कि गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी, जो कि एक दलित नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसपे ऐसा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं करना था, लेकिन भेदभाव पूर्ण अपनाते हुए भेदभाव को बताते हुए भाजपा की सरकार ने उन्हें 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। यह दलित नेता पे अत्याचार है, दलित समाज का अपमान है, हम कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि एक कांग्रेस के विधायक के ऊपर हो रहे अत्याचार को भाजपा सरकार मोदी सरकार बंद करे, नहीं तो कांग्रेस जन आंदोलन करेंगे। ब्रांड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।